ब्रजेश जी 35 सालों से रामलीला का मंचन कर रहे हैं मऊ जनपद की ऐतिहासिक रामलीला में। ब्रजेश जी बहुत स्वागत है आपका मरुजाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ब्रजेश जी अपने बारे में कुछ बताएं, जो आप रामलीला का मंचन करते हैं उसमें क्या कुछ करते हैं और किस तरह का संवाद स्थापित होता है जी। देखिए, मऊ की ऐतिहासिक श्री रामलीला लगभग 500 वर्ष पुरानी ये परंपरा आज भी कायम है, जिसमें अनेकों लोग जो हैं अध्यक्ष हुए, मंत्री हुए, जो भी हुए। और यहाँ का रामलीला चूंकि रामचरित मानस के आधार पर ही होता है, पहले के समय जैसे ये शीतला माता धाम ले लीजिए, शीतला माता धाम एक ऐसा धाम था पहले, पहले के लोग बताते थे कि जब भगवान वन को गए यहाँ से, राजगद्दी मैदान से जब भगवान वन को गए तो शीतला माता धाम साक्षात वन था, जंगल था और भगवान जो है वन को गए। आज तो खैर परिवर्तन हो गया है, लेकिन लीला आज भी हमारी उसी तरह कायम है। आप कौन कौन सा पात्र करते हैं इसमें, पात्र का अभिनय और क्या कुछ करते हैं? देखिए, मऊ का ऐतिहासिक भरत मिलाप जो कि बहुत पुरानी है, इसमें बहुत पुरानी नारदी जो कि शुद्ध जो है साहित्यिक चीज है, हर समय की राग जो है बदलती है, मारुग है, बिहाग है, भैरवी है, ऐसे हम लोग गायन करते हैं। और मैं हनुमान जी का अभिनय करते हैं अभिनय करते हैं तो एक ऐसा उस समय का जो एक मनोरम दृश्य होगा, और जब आप पहुंचते हैं भरत जी के पास उसका एक आप संवाद का दो लाइन बता के हमको दर्शकों के लिए। देखिए, भरत जी के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही है और भरत जी ये सोच रहे हैं कि कहीं सूर्य उदय न हो जाए, न तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, ऐसे उनके मन में भाव आता है। तभी हनुमान जी जाते हैं और उनको सूचना देते हैं कि प्रभु शीघ्र ही आपके पास आ रहे हैं। और क्या कहते हैं हनुमान जी, बिना तुम्हारे हे भैया किस तरह अवधपुर जाऊंगा, माँ पूछेगी। देखिए, यही समय की है कि जब लक्ष्मण शक्ति लगी हुई थी और भगवान जो है एकदम परेशान है, शक्ति तो लग गई है लेकिन मैं कैसे अयोध्या जाऊंगा, इस समय का वर्णन है। और हनुमान जी कहते हैं, बिना तुम्हारे हे भैया किस तरह अवधपुर जाऊंगा, माँ पूछेगी लखन कहाँ तो क्या कह कर समझाऊंगा, उस छाती से उस गोदी से ज्वाला भर भरा उठेगी, जब दुख ही न मीनसी व्याकुल है मैया तड़पड़ा उठेगी, जब तब तुम ही कहो लक्ष्मण भैया फिर क्यों ना जलेगा जगत, वहा बच सकते हैं इन लपटों में भारत और शत्रुधन, वहा मैं इस चिंता से मरता हूँ सीता मरती है लंका में, माता रहे सहे भ्राता मरते हैं उधर अयोध्या में, अपनों को अगर मारना हो तो अपनो प्राण तजो भैया, अन्यथा सबो के जीवन हित जल्दी से जाग उठो भैया। अच्छा, आप 35 सालों से लीला कर रहे हैं जी, इतना मनोरम हो जाता है जब आप मंच पे ऐसे नॉर्मल आप बैठते हैं, आप बताए कि आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण साथ साथ एलआईसी एजेंट भी हैं, तो कितना जब उस भाव में आप जाते हैं
और जब नारदी गाते हैं और उसका मंचन होता है तो कितना अलग हो जाता है सब कुछ। अलग तो बहुत होता है, साक्षात जैसे लगता है कि नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही है, उसको बहाना नहीं है, अपने आप बह रही है। एक नारदी है, कुछ सुनाए जो उस समय की थी, कुछ ऐसा कुछ जो उस समय का वर्णन, कोई सा भी जो आपको लगता हो कि दर्शकों के बीच इसको रखना चाहिए। अवधयाजू आवत रघुराई, आव तू है रघुराई, आव तू है रघुराई, पुष्प विमा न चढ़े रघुनंदना, ए बरहा हा हा, पुष्प विमा न चढ़े रघुनंदना, निज निज भवन नई पीढ़ी कितना आ रही है रामलीला में, जो रामलीला का मंचन कर रही है, नई पीढ़ी कितना आपके साथ आ रही है? नई पीढ़ी जैसे पुराने जितने लोग थे वो तो आज नहीं है, और नए लोग जो हैं वो ज्यादातर देखिए तो ये डीजे है, भजन कीर्तन है, जहाँ उसी में लोग ज्यादा जा रहे हैं। लेकिन चूंकि ये चीज ऑल इंडिया में पहले बनारस में रामनगर में होती थी, लेकिन आज वहां भी नहीं है। यहाँ ही मऊ शहर में करीब 7 गोल थी, डुमराव से आती थी, बैजापुर से आती थी, हाँ, और मऊ प्रॉपर मऊ में 7 गोल थी, आज कोई नहीं। हम हैं और एक हमारे भाई साहब हैं विनोद कुमार उपाध्याय, और एक बल्लीपुरा के महेंद्र मौर्या, वही लोग संचालित, हाँ, उन्हीं के आधार पर 5-7 लोग हैं जो कि सहयोगी इसको लेकर चल रहे हैं, और आज ये कायम है। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।